और ऐसी फ्री में कौन दे? गुड मॉर्निंग जी सभी को, ये चल रहा है हमारा व्लॉग। अरे ये क्या चल रहा है? अच्छा 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 व्लॉग ही चल रहा है। मैं हम गेहूँ के गट्टे कहाँ से आ गई, ये व्लॉग में चल रहा था टीवी में, ये ध्यान नहीं दिया कल वाले व्लॉग में। और इधर हमारा काम हो गया सारा रेडी, काम शाम पूरा रेडी है। और मैं भी यहाँ रेडी होके अभी स्कूल में जा रही हूँ, स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ और नीचे जा रही हूँ, प्रदीप जी के साथ जाऊँगी आज। नीचे जाके दिखाती हूँ कि, और ये नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि मम्मी और ये पोछे वाली है, ये आपस में पता नहीं क्या, मम्मी निगरानी कर रही है इसकी। ये ना क्या करती है रीना, जो काम वाली है हमारी, ये ना भाग जाती है। मतलब डेली मम्मी इसको कहती हैं कि पोछे धो के जाया कर, पोछे धो के जाया, क्योंकि भाई पोछा ऐसा गंदा रख के जाती है ना, फिर आके इसमें एक तो स्मेल होती है, दूसरा वो गंदा इतना लगता है, उसमें मिट्टी हो जाती है, तो वो सारे फर्श को ना ऐसे वाइट वाइट सा कर देता है। तो मम्मी सिर पे खड़ी हैं इसीलिए, और ये मेरा व्लॉग भी देख रही हैं साथ साथ में, सुबह वाला व्लॉग जो डला था उस व्लॉग को देख रही हैं। और ये इसको अच्छे से ब्रश और साबुन दिया आज, इनको अच्छे से धो जा, मुश्किल से फंसी आज ये हमारे, क्योंकि रोज भाग जाती है, कहती हाँ आंटी क्या काट रहे हो? काट थोड़ी नहीं हुई, निकाल रही हूँ। क्या निकाल रहे हो बताओ? ये रसगुल्ले देख, ये क्या हो गया? चीटी नहीं चढ़ रही है, देख दिख नहीं रही आपको क्या? तो चीटी, हाँ देख, और ये चीटियाँ चढ़ गई हैं ना रसगुल्लों में, इनको साफ़ कर रही हूँ। देखा तो यहाँ पे डिब्बा उठा के, मैंने कहा चल खाते हैं, खाने के लिए उठाया तो देखा चीटियाँ ही चीटियाँ हैं। और ये डिब्बा जो है ना, इस पर लिखा हुआ है टिंकू दा ढाबा, और ये भाई का नाम भी टिंकू है, हम टिंकू ही बोलते हैं उसे, टिंकू। और टिंकू दा ढाबा लेके आया, तो मैं बता रही हूँ कि मामा तो अपने ढाबे का लेके आए हैं रसगुल्ले का डिब्बा, तो खाते अभी ना इनको निकाल के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि यहाँ चीटियाँ चढ़ती ही रहेंगी। और बच्चे है ये खाते नहीं हैं, इनको ये नहीं है कि कोई चीज़ आई है कुछ मीठा रखा है तो निकाल के खा ले, मैं दूँगी ज़बरदस्ती बेटा खा लो तब ये खाएंगे। और अभी मेरा हो गया शाम को खाना रेडी, और अभी मैंने इसमें है कचरा और ये ककड़ी, ये टमाटर, और उधर दाल बनाई है मैंने। मैं बच्चों के लिए सिंपल सी दाल बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे इजीली इसको आराम से खा लेते हैं, खुश होके खाते हैं, अच्छी हेल्दी होती है ये वाली दाल। तो ये वाली दाल मैं मोस्टली बना देती हूँ, जब इनके कोई फेवरेट सब्जी ना हो, मतलब नहीं खाएं उस सब्जी को, तो मैं इनकी दाल को बॉयल कर देती हूँ। और उधर इनका टीवी चल रहा है, इनको टीवी तो चलाना ही चलाना होता है, जब भी इनका डिनर का या खाने का टाइम होता है तो ये टीवी देख के ही खाएंगे खाना। तो ये टीवी देखते देखते यहाँ पे अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय ही करना है इनको, क्योंकि मैंने खिलाना है इन दोनों को, अपने आप तो ये कुछ खाएंगे नहीं, और मम्मी और मैं भी खाएंगे अभी साथ में ही खाना। तो बस फिर थोड़ा बहुत इनका जो रिविज़न सा है वो करवाऊँगी, इनकी लड़ाई देख लो। अयान को तो अब डेली ऐसे हो गया रूटीन में कि लड़ना ही है, इसका एक वो बन गया है कि जैसे हाँ टाइम सा बन गया है कि इसको अब लड़ाई करनी है। और ये देखो इस, ये लड्डू को तोड़ के ऐसे ऐसे और इसके अंदर डालते हैं। उठे उठे कौन सा डालते हैं? सो जाते हैं क्या? मम्मी मेरे सारे पेंसिल फेंक रहा है, ये देश की पेंसिल देख, किट दे किट दे, निकल के आई, छोड़ दे छोड़, गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्सा गुस्सा दे, मेरे को दे, यार नहीं करो नहीं चलाता, रोज रोज दादा से चीज लेता है तो। हाँ तो इतने रुपए की मिल जाती तो इससे तो बहुत, तो 20-20 रुपए की लेता है, 20 रुपए की इसमें तो ये आ जाए, दो आ जाए ऐसे। हाँ तो मैं लेता ही नहीं, लेता है एक दिन ने 20 रुपए वाली चीज ली थी, आज भी लाया था ये, हाँ तो नहीं लाया था। हाँ मम्मी बताओ ना, लाया था ना, बताओ मुझे क्या पता, तुम थे यहीं पे, मम्मी बताओ ना, मुझे नहीं पता, मैं तो आई तब तो किसी के पास कुछ था, नहीं था, लाया था, लाया था ये कुछ नहीं, दादी से पूछ लेना, बेशक दादा से पूछ लेना, पूछूंगी कल, रोज लाता है, कल भी लाता है, तो पैसे खर्च नहीं होते बेटे, वो हमें इतने लोग नहीं आते, बस रुपए के ही नहीं आते, कितने के आते हैं फिर? नहीं आते। और ऐसे फ्री में कौन दे देता है चिप्स भाई?
चिप्स लेके आता। और क्या लेके आता? फ्रूटी लेके था। फिर फ्रूटी को कौन दे देगा फ्री में? कोई नहीं देता। हाँ तो पैसे मिलते है। पैसे मिलते, एक रुपए की मिली थी। हाँ एक रुपए की, 10-20 रुपए की फ्रूटी आती है। और निखिल को तो ऐसे बोल रहे हो कि मम्मी बहुत पैसे खर्च करवाता है और खुद रोज लाते हो तब कुछ नहीं दिखता। मैं छोटी वाले आता। तो खुद के पैसे खर्चवाने तो अच्छे लगते हैं। मम्मी मैं इसी बात कर ला जी लेते ये सारे पे सारे पैर लेगा इसके पैसे खर्च होंगे। इसके कहाँ होंगे, पापा के होंगे खर्च तो पैसे। हाँ। और इसके मेरे पास है नहीं कोई भी पैसा, मैं तो दूंगा नहीं किसको। मैं तो है नहीं, मेरे पास तो 5 रुपया भी नहीं है। है मेरे बस में है, वरना तो मैं तेरी ये निकाल रहा हूँ। निकल आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट एक मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।